भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के मौके पर चारों तरफ इसकी धूम रही। कहीं भगवा रैली तो कहीं शोभाएं यात्राएं निकाली गई। इस दौरान नव संवत्सर सेवा समिति द्वारा रन फॉर कल्चर मैराथन दौड़ करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नव संवत के मौके पर प्रताप ऑडिटोरियम से रन फॉर कल्चर दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सह संयोजक डॉक्टर के गुप्ता, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, अविनाश कौशिक, विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सोन सिंह सोलंकी ने दीप प्रज्वलित किया। दौड़ में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आईटीओ बिशन कालरा, उद्योगपति विजय डाटा, समाज सेवी दिनेश भार्गव, गंगाश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। दौड़ का शुभारंभ अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। यहां मौजूद कार्यक्रम संयोजक अविनाश कौशिक ने नव संवत्सर पर प्रकाश डाला। रन फॉर कल्चर मैराथन, आज यह मैराथन नव वर्ष के उपलक्ष्य में, भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में होने जा रही है। यह मैराथन तीन वर्गों में हो रही है, अंडर 14, एक 14 से 18 वर्ष, एक 18 से ऊपर के वर्षों में हो रही है। आज नव संवत्सर है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, सारा भारतवर्ष इस नए वर्ष को मनाने में लगा हुआ है। अलवर में इसकी विशेष रूप से तैयारी की गई है। अलवर शहरवासियों को और जागरूक करने का प्रयास किया गया है। हम लोग नव संवत्सर मानते तो हैं लेकिन मनाते नहीं हैं। इस बार ये प्रयास किया गया है कि नव संवत्सर कैसे मनाएं, नव संवत्सर क्या है, नव संवत्सर के बारे में सारी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। भारतीय नव वर्ष के मौके पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में भगवा ध्वज लिए आगे आगे चल रहे थे। साथ में भगवान राम सीता से देशभक्ति से ओतप्रोत 21 झांकियां निकाली गई। उधर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। स्कीम नंबर 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा, शहर के विभिन्न मार्गों से निकली यात्रा का रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। पिछहत्तर के इस शुभ अवसर पर पहली बार मैंने देखा कि आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हजारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर के और ये 21 झांकियां हिंदू नववर्ष के मंगल पर्व पर जो रोड नंबर 2 पे पहली बार मुझे देखने, मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हिंदुओं के लिए ये प्रेरणा का विषय है कि इस तरह के कार्यक्रम जोर शोर से करने चाहिए। और इस अवसर पर मैं सभी अलवर वासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं तथा ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी अलवर जिले के वासियों के, हिंदुओं की जो भी मनोकामना है वो इस साल 100% पूरी होगी। जय राधे राधे राधे, जय भोले। वहीं इस मौके पर शिवसेना द्वारा भी नव संवत्सर के मौके पर एक विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल, मुकेश बावलिया सहित सैकड़ों की संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। बाइकों पर सवार शिव सैनिक हाथों में भगवा पताका लिए देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हमारी परंपराओं का, हमारे नैतिक मूल्यों का और हमारे प्राचीन धरोहर का बड़ा महत्व है। आज नव संवत है, विक्रमादित्य साहब के समय से, ये शासनकाल के समय से नया साल मनाने का ये परंपरा शुरू हुआ और नए साल को हम आज नए संवत के रूप में मना रहे हैं। हमें देखिए, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे, हमारे देश के बहुत सारे नागरिक भागे हैं। हमें अंग्रेजी की जरूरत तो हो सकती है लेकिन अंग्रेजियत की जरूरत कतई ही नहीं है कि हम अंग्रेजी को पढ़ने के चक्कर में अंग्रेजी पाश्चात्य शैली को अपना लें और अपने भारतीय कल्चर को, अपने संसाधनों को और अपनी संस्कृति को बदल दें। ये गलत है। हमें नए साल को नए संवत के रूप में ही मनाया जाना चाहिए।